नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल द स्पीड स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। और हम लोग जो है अपना क्लास 10 की जो मैथ चल रही है उसी के सीरीज में आगे चलते हैं। और देखिए, एक चीज आपको याद रखिए, आप क्वेश्चन जो है जिस प्रश्नावली का क्वेश्चन रहा करें, जो वीडियो आप देखा करें, अगर उसमें कोई क्वेश्चन फंसता है तो उसी के नीचे आप कमेंट करिए, आपके कमेंट को मैं नोटिस करूंगा। और वीडियो के लास्ट में, अर्थात जब वीडियो आपका खत्म हो जाएगा, जैसे जो चैप्टर चल रहा है इसमें समांतर श्रेणी चल रही है, जिस दिन ये समाप्त होगी, इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो सारे डाउट आपके लाइव जो है क्लियर करा दिए जाएंगे। आप लोग एक दिन लाइव आ जाया कीजिएगा और सारे डाउट आपके क्लियर करा दिया जाएगा। ठीक, तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, लिखा हुआ है कि समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 253 में अंतिम से 20वां पद याद कीजिए, मतलब 3, 8, 13, 253 में अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो हमको अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है। अगर अभी कहता 20वां पद ज्ञात कीजिए, तब तो हम निकाल देते, हमारे पास फार्मूला था Tn बराबर इतना, या फिर हम इससे निकाल देते। लेकिन चूंकि कह रहा अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए, तो याद रखिएगा अंतिम से यनवां पद बराबर होता है n माइनस 1 × d। अंतिम से यनवां पद हमारा यही होता है फार्मूला, जहां पे यन क्या है, यन हमारा अंतिम पद है और डी हमारा सर्वांतर है। ठीक, तो चलिए हम इसमें देखते हैं कि हमको दिया क्या क्या गया है। इसमें दिया गया है a बराबर 3, ठीक, डी बराबर दूसरे पद में से पहला पद अगर हम घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा डी का मान, डी का मान कितना है 5, और यल का मान हमको दिया गया है 253। तो हमको कह रहा अंतिम से 20वां पद याद कीजिए, तो हमारा हो जाएगा अंतिम से 20वां पद, तो t 20 बराबर यल माइनस 20 माइनस 1 इंटू डी, या फिर यल का मान है 253 माइनस 20 माइनस 1 करेंगे तो 19, और इंटू डी का मान कितना है 5, तो बराबर 253 माइनस 19 इंटू 5 करेंगे तो 5 × 45 की 5 हासिल करेंगे 4, 5 × 9, 19 बचे 95। घटा दीजिए इसको तो 13 में से 5 गए 8, फिर यहां बचा क्या 4, 14 में से 9 गए 9, 5, 14 और 1। अर्थात जो हमारा अंतिम से 20वां पद होगा वो क्या हो जाएगा, अंतिम से 20वां पद क्या होगा 158, यही आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये चीज है, अगर अंतिम से यनवां पद कहे तो ये हमारा फार्मूला है। एक आपको होमवर्क देते हैं, होमवर्क ये है कि होमवर्क रहेगा आपका 2, 4, 6, 8, 10, 90 में अंतिम से 20वां पद ज्ञात करिए, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 17 पर ही आधारित है, ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। ठीक, चौथे और आठवें पदों का योग, यानी कि चौथे पद और आठवें पद, इसका जो योग है वो कितना दिया गया है, 24 दिया गया है, और छठे और दसवें पद का योग, छठे और दसवें पद का योग 44 है। तो ज्ञात कर क्या करना है, कह रहा है प्रथम तीन पद ज्ञात कीजिए। तो हमने कहा कि आपको अगर a का मान और b का मान पता चल गया तो आपको चाहे प्रथम तीन पद निकालने को कहे, चाहे श्रेणी निकालने, चाहे जो निकालने को कहे, आप सब कुछ निकाल लेंगे। तो चलिए हम पहले ये दो चीज निकालते हैं। अगर हम इससे देखें तो t4 का मतलब हो गया a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी प्लस t8, यानी कि a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, ये बराबर दिया गया है 24 के, या फिर a और प्लस a यानी कि 2a प्लस 3d प्लस, यहां पे 8 में से 1 गए 7d, ये बराबर दिया गया है 24 के, या फिर 2a प्लस 10d बराबर
24 की, या फिर a दो से भाग दे दीजिए तो 2 पंच 10, a प्लस 5 d बराबर 12, ये समीकरण एक हो जाएगा। अब आप इससे देखिए दूसरे वाले से, अगर हम इससे करें तो t6 तो a प्लस यहां पे 6 है यानी कि 6 माइनस 1 यानी 5d प्लस 8 प्लस 10 है तो 10 का मतलब 9d बराबर कितना है 44, या फिर 2a प्लस 9 5 14d बराबर 44, या फिर 2 से भाग दे दीजिए तो a प्लस 2 सब 14 7d बराबर 22, समीकरण 2। समीकरण 1 पता है हमको, समीकरण 2 पता है, अगर हम समीकरण 1 और 2 को घटा दें समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, तो समीकरण 1 और 2 को घटाएं तो a प्लस 5d बराबर 12 और a प्लस 7d बराबर 22, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, इससे ये कट जाएगा हमारा, माइनस 2d बराबर माइनस 10, तो d बराबर 2 पंच 10, d का मान हमारा आ गया 5, d का मान 5 आ गया, d का मान उठा करके चाहे आप समीकरण 1 में रखिए चाहे आप समीकरण 2 में रखिए आपको जो है a का मान मिल जाएगा। तो चलिए हम समीकरण 2 में रख देते हैं, तो d का मान जब 5 रखेंगे तो a प्लस 7 बचे 35 बराबर 22 के, या फिर a बराबर 22 माइनस 35 इधर आएगा तो प्लस 35 उधर जाएगा तो माइनस 35, या फिर 22 10 32 3 35, a का मान आ गया माइनस 13, d का मान आ गया 5, हमको श्रेणी का 3 पद ज्ञात करना है तो a का मान है 13, ठीक माइनस 13, माइनस 13 में जब हम 5 जोड़ देंगे तो हमको अगला पद मिलेगा, तो माइनस 13 प्लस 5 तो दोनों चूंकि चिन्ह अलग अलग है तो ये हमारा हो जाएगा माइनस 8, फिर माइनस 8 में प्लस 5 करेंगे तो माइनस 3, फिर माइनस 3 में प्लस 5 करेंगे तो 2, तो अर्थात ये सीरीज इसी तरह लगातार चलती रहेगी। तो हमको प्रथम 3 पद ज्ञात करना था, तो पहला पद माइनस 13, दूसरा माइनस 8, तीसरा माइनस 3, ठीक। तो अब चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, कह रहा है सुब्बा राव ने 1995 में रुपए 5000 के मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया, प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वृद्धि प्राप्त की, उसका वेतन रुपए 7000 हो गया तो किस वर्ष हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं पहले उसकी मासिक आय क्या थी, तो पहले उसकी मासिक आय 5000 रुपए थी, पहले उसकी मासिक आय 5000 रुपए थी, ठीक। और कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वृद्धि हो जाती है, प्रत्येक वर्ष क्या कह रहा है, प्रत्येक वर्ष 200 रुपए प्लस हो जाता है आपका, यानी कि प्रथम वर्ष कितना होगा, प्रथम वर्ष आपका 5000 होगा, द्वितीय वर्ष आपका क्या हो जाएगा, द्वितीय वर्ष आपका 5000 प्लस 200 यानी कि कितना हो जाएगा 5200 हो जाएगा, तीसरे वर्ष आपका क्या हो जाएगा, तीसरे वर्ष आपका 5200 प्लस 200 तो 5200 प्लस 200 यानी कि 5200 रुपए हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, पहले हमारा 5000 था, फिर 5200 था, फिर 5400 था, फिर इसी तरह 200 और लेंगे 5600 हो जाएगा, तो इसी तरह अर्थात हमको एक श्रेणी मिल रही है, क्या मिल रही है देखिए 5000 5200 5400 दादा एक श्रेणी मिलेगी। तो कह रहा है कि कितने वर्षों के बाद जो है 7000 रुपए प्राप्त होगा, तो डॉट 7000, ठीक डॉट 7000 तक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो यनवा पद है इसका यनवा पद कितना है 7000 है, तो वही यन का मान हमको निकालना है। तो चलिए ए बराबर हमको दिए हैं 5000, डी बराबर हमको दिए हैं 200, क्योंकि 200 रुपए प्रतिवर्ष बढ़ रहा है इसलिए डी बराबर 200, और टी यन बराबर दिए हैं 7000। तो हमको निकालना क्या है, यन का मान निकालना है,
चूंकि हम जानते हैं Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो Tn का मान दिए हैं 7000 बराबर a का मान दिए हैं 5000 प्लस n का मान निकालना है और d का मान दिए हैं 200। 7000 ये प्लस 5000 इधर आएगा माइनस 5000 बराबर n माइनस 1 इंटू 200, तो इसको घटा देंगे तो 2000 बराबर n माइनस 1 और ये 200 अगर हम इधर लेके आए तो हमारा बटे 200 हो जाएगा, यानी कि दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा, 2 दशमलव 20। इसका मतलब क्या हुआ कि n माइनस 1 बराबर आ गया कितना 10, तो n बराबर 10 प्लस 1 बराबर 11 वर्ष। इसका मतलब ये हुआ कि 11 वर्ष बाद उसकी जो मासिक आय है वो कितनी हो जाएगी 7000 रुपए। यही आ जाएगा हमारा आंसर। कहीं समस्या हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, और आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जाती है तो कम से कम लाइक भी कर दिया कीजिए। जितने लोग देखा करें, 10 लोग देखें तो 10 लोग लाइक करें, 20 लोग देखें तो 20 लोग लाइक करें, जितने लोग देखें लाइक जरूर करें। चलिए आगे देखते हैं, और इसको आप शेयर भी किया कीजिए। अगला क्वेश्चन आपका है, कह रहा है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन लिख दिया गया है, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन लिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह रुपए 5 की बचत की। मतलब प्रथम सप्ताह 5 रुपए की बचत की, मतलब 5 रुपए प्लस 5 कर दीजिए आप या 5 कर दीजिए चाहे जो करिए। उसके बाद क्या कहना है, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत रुपए 1.75 बढ़ाती गई। मतलब कि इसके बाद जो वृद्धि हो रही है 1.75 रुपए की प्रति वर्ष वृद्धि कर रही है। ठीक, प्रति वर्ष 1.75 की अगर वृद्धि हो रही है तो ये बताइए कि दूसरे सप्ताह में उसका कितना हो जाएगी बचत, दूसरे सप्ताह में हो जाएगी 5 और प्लस 1 यानी कि 6.75। तीसरे सप्ताह की अगर बात करें तो तीसरे सप्ताह कितनी हो जाएगी, तीसरे सप्ताह हो जाएगी 6.75 और प्लस 1.75 की वृद्धि। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 5 10 की 0 हंसने लगेंगे, 7 2 14 15 5 हंसने लगेंगे, 6 7 8.50 रुपए। तो इसी तरह हमारा अर्थात एक श्रेणी हमको मिल रही है क्या, 5 6.75 8.50। तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि 11वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत ₹20.75 हो जाती है, मतलब ₹20.75। ठीक, तो ये कैसे वर्ष की है, 11वें वर्ष हो जाती है। तो यन का मान ज्ञात कीजिए, एकदम सेम टू सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह, क्वेश्चन नंबर 19 की तरह सेम टू सेम है। इसमें भी हमको ए का मान दिए हैं 5, डी का मान दिए हैं कितना 1.75, जितने की वृद्धि हो रही है वही हमारा डी का मान होता है, याद रखिएगा। और टीएन बराबर दिए हैं हमको कितना 20.75, और हमको निकालना क्या है, एन का मान निकालना है। तो चूंकि पता है टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसी फार्मूले में मान रखेंगे और मान रख के उसको हल करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। ये आपका होमवर्क है, आप लोग जो है इसको सॉल्व करिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कहीं समस्या हो तब भी बताइएगा। ठीक, और हम जो है मिलेंगे अपने अगले वीडियो में और नए चैप्टर के साथ जो कि प्रश्नावली 5.3 है। ठीक, कहीं समस्या हो तो आप बताइएगा और इसका कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा, और आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम जहां जहां भी आप हो आप इसको वहां वहां शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और हम आपको अच्छा अच्छा पढ़ाएं। ठीक, आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कराऊंगा, ये मेरा वादा है।